पता है हम लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे पास टाइम है। ये जो लाइफ हमें इतनी स्टेबल लगती है ना, ये कांच की दीवार है और मौत पत्थर लेके बैठा है। जिस दिन वो पत्थर पड़ा उस दिन कांच गया। बाद में देख लेंगे, बाद में मना लेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे, ऐसा मत सोच। जो कहना है अभी कह, जो करना है अभी कर, अभी। वो बात पता नहीं आए या ना। मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं, जस्ट लेट गो, लेट गो ऑफ द एंगर, नॉट द पर्सन। मुझे मेरे अनुज के पास जाना चाहिए, पर वो अपने दोस्त के साथ है और मैंने उनके सामने कैसे जाऊंगी उनके पास, उनके सामने, और क्या ही बोलूंगी? वो भी तो नहीं है मेरे पास। इसका मतलब वो मुझसे और ज्यादा नाराज है। पर मुझे अनुज से मिलना है, उससे बात करनी है, उनके पास जाना है, उन्हें बताना है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ओए, अभी तक यहीं खड़ा है? अबे गधे, जा अंदर। हाँ, थैंक्स थैंक्स। और सुन, हाँ, भाभी को प्रियंका के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, वो बेचारी ऑलरेडी परेशान है और दुखी हो जाएगी। नहीं बताऊंगा। लेकिन तू रुकेगा कहाँ अभी? कमरा। अरे तू चल यार, मैं कोई रूम ढूंढ के सो जाऊंगा, और कुछ नहीं मिला तो गाड़ी में सो जाऊंगा। चल। थैंक्स यार, थैंक्स। जा अनुज, जा अपनी अनु को मना ले। प्यार करने वालों के बीच दूरियां मत लाया करो यार। जो तुमसे नहीं तो किससे लड़ूं, किसके आगे खोके आपा मैं बनूं कमजोर सा, किसके आगे मैं रहूं, मैं हर जगह हूं किसी और सा, किसके आगे खारे आंसू यार मैं चखने लगूं, किसके आगे बच्चे की तरह बिलखने में लगूं, किसके आगे तोड़ के दोबारा खुद को मैं गढ़ूं। जो तुमसे नहीं तो बस ये बता दो, और किससे लड़ूं? हुए पर तुम नहीं हुए। आई लव यू, आई लव यू बहुत 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 ज्यादा से भी ज्यादा। अरे जी, बस आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब ठीक हो जाए। दो दिन के बाद ही सही, पर हमारा न्यू ईयर सच में हैप्पी हो जाए। पापा, आपके चाय। थैंक यू। बापूजी, आप चाय पीजिए, इसे मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हमारी गुनिया के लिए हम तो जायदाद छोड़ देंगे, तो फिर चाय क्या चीज है। अरे वाह बापूजी, क्या डायलॉग मारा। आपकी बात सुन के परी भी स्माइल कर रही है। ओ किंजू बेबी, ये ले, तेरे लिए मैंने खास डाइट के थेपले बनाए हैं। वो अपने घर में जब भी होगी ना तो यही खाना,
वरना तेरी माँ तो वो घास फूस खिला के तुझे बकरी बना देगी। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ कि मेरी लीला के अंदर कितनी लीला है। मोह भी है, त्याग भी है, जिद भी है, ममता भी है, गलती करने वाली लीला भी है और प्यार करने वाली भी लीला है। थैंक यू बाप। ले ले, हम दीजिए, मुझे दीजिए और आप आराम से चाय पीजिए। रमेश भाई, प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें चांद पे भी दिलवा दूं, पर क्या है ना, वहाँ का सर्कल रेट तुम्हें परवड़ से नहीं है, तो अभी धरती पे ले लो है? रावल नहीं मान रहा ना, तो मना लूंगा। डील कैसी भी हो रमेश भाई, करवा दूंगा। अरे मारा जीवन ऊपर अगर कभी फिल्म बने ना, तो टाइटल हो गए बड़ी डील वाला। है? है? पनीचू पनीचू वेरी सून विद मनीचू उन रघुजो। हाँ जयंती भाई, अरे धोखाधड़ी वाला कोई केस नहीं है, सब अफवाह है। शर्मा जी की प्रॉपर्टी एकदम चौकी प्रॉपर्टी है। हाँ बापू जी, शर्मा जी वाली वही प्रॉपर्टी है ना जो सालों से डिस्प्यूट में, तो ये गधा उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की डील कर रहा है। अरे लोकेशन ऐसी है ना कि अगर दुकान बंद भी हो तो कस्टमर अंदर आके फोटो खिंचवा के जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं शर्मा जी से आपकी मीटिंग जल्द से जल्द फिक्स करवाता हूँ। हाँ अरे बैठ के खा बेटा। बात क्या है ना, बड़े लोगों के पास बैठ के खाने का समय नहीं होता। लेकिन जेल में सब लोग बैठ के ही रोटी खाते हैं बेटा। ये शर्मा जी की प्रॉपर्टी सालों से लिटिगेशन में है और सालों से इस प्रॉपर्टी में किसी ने हाथ नहीं डाला, और तू उसी प्रॉपर्टी की डील करवा रहा है। ऐसा ना हो बेटा कि तू मुसीबत में पड़ जाए। चिल गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक बार डील हो गई ना तो 30% कमीशन है, यानी कि अगर 3 करोड़ की डील तो 90 लाख रुपए मेरी जेब में। 10 साल लोग नौकरी करके पापा इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना मैं एक डील से कमा लूंगा। ये डील नहीं है, ये लॉटरी है, लॉटरी। तुम सेंसिबल नहीं, खदे हो खदे। कुछ कहा गया? तोशो अगर ये काम इतना आसान होता ना तो सारी दुनिया यही काम कर रही होती। हम पागल नहीं जो हम जॉब पे जाते हैं। नहीं नहीं, पागल नहीं हूँ, लेकिन छोटा सोच तो, सोच छोटी फायदे छोटे, और मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं। बेटा ऊंचे सपनों के लिए भी शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है। जहाज को भी टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे दौड़ना पड़ता है। पर पापा मैं तो हेलीकॉप्टर हूँ, मैं ऐसे नहीं ऐसे ऊपर जाऊंगा। जो ऐसे ऊपर जाता है ना वो धपाक से ऐसे नीचे भी गिरता है। हाँ हरीश, अरे क्लाइंट रोक के रख, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ, आ गया। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। अब आएगा असली स्वाद। दाल हलवा, इससे कहते हैं गुड मॉर्निंग। इसमें जायफल और वो इलायची भी है ना? अरे वाह, आपको तो खुशबू से पता चल गया। अल्लाह, 80 पंजाबी है परजाई जी, खुशबू से रेसिपी बता देते। तो फिर तो आपको खाना बनाना भी आता होगा। लो, आता है, 80 एक्सपर्ट है जी। हाँ, तो मुझे भी सिखाइए ना। आपको कौन सिखा सकता है परजाई जी, आप आपका पति परफेक्ट है, कमाल है। मैं तो नहीं, मैं तो जरा भी परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ लेकिन बनने की कोशिश जरूर करती हूँ, पर आपके दोस्त वो एकदम परफेक्ट है। परजाई जी, आप ना अपनी और अनुज की रिश्ते की ना रोज ना आप नजर उतार दिया करो प्लीज। हाँ वैसे ये हलवा किस खुशी में बन रहा? आपके चेहरे से दिख रहा है कि कोई खास बात है। उसी तो ब्लश कर रहे हो, सो क्यूट। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, देखो वो आ गया। ए जी सुनो जी,
तुम कहाँ जा रहे हो जी? हाँ मुझे छोड़ के मत जाओ सुबह सुबह, मेरा दिल तोड़ के मत जाओ, मेरा प्यार ठुकरा के मत जाओ जी, मैं लुट जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी अनुज बाबू। अबे तू सुबह सुबह शुरू हो गया क्यों बे? तेरे घर में मजाक करने का फिक्स टाइम होता है क्या? पका मत यार। अरे पका तो भाभी रहे हैं। क्या मतलब हलवा? वैसे तू जा कर है? अरे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ यार। अच्छा चाई पहन के? ऑफ कोर्स ऑफिस जाऊंगा ना यार, क्या सवाल कर रहा है? अच्छा बेटे मतलब मैं घर में आया और तू ऑफिस चला, ये तेरा प्यार है, ये तेरी दोस्ती है? धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार। यार मेरी बात मत काट, मुझे ऑफिस जाना है प्लीज। यस अब इस नौटंकी को क्या हुआ? क्या कर रहा है? अबे ये क्या किया? मेरी टाई काट दी। तूने कहा मेरी बात मत काट तो मैंने तेरी टाई काट दी। पर क्यों? अरे क्यों? मैं घर आया हूँ और तू ऑफिस जाएगा? अरे लेकिन अरे तो दो चार करोड़ का नुकसान होगा ना, वो मैं दे दूंगा। अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, वो तू ही खुद झेल लेना यार, दोस्त के लिए इतना खरी सकता है? सॉरी हाँ, कल वो मेरी वजह से तुम लोगों का वो न्यू ईयर डेट वो स्पॉइल हो गया, लेकिन मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, समझ लेना। नया साल आज से शुरू हो रहा है। अरे ये आंखों आंखों में बातें ना बाद में कर लेना ट्रिप पे। क्या था तुम ट्रिप? ओह आई एम सो सॉरी, मैं शायद आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन हमने एक छोटी सी ट्रिप प्लान की है हम तीनों के लिए। मतलब यहीं आसपास कहीं जाएंगे गाड़ी में और बैठेंगे, चादर बिछाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फूल उगाएंगे, ठीक करेंगे। ये चलना यार प्लीज। देख लाइफ खुद से ना हमें खूबसूरत मोमेंट्स नहीं देती है, हमें लाइफ की जेब काटनी पड़ती है। तो क्या बोलते हो, जेब काट रहा हूं? Let's rock and roll, baby! Yeah! सुन पेपर्स असली है ना? पक्का? कोई झोल झपाटे वाला काम तो नहीं है? अरे पापा और बापूजी कह रहे थे कि वही वाली प्रॉपर्टी लिटिगेशन के अंडर है। अरे नहीं भाई, तुझ पे पूरा भरोसा है, बस लाइफ में पहली बार इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूं तो अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। तू पेपर्स रेडी रख, मैं पैसे लेकर आता हूं। लाइफ में बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है, जितना बड़ा रिस्क उतने ज्यादा पैसे, लेकिन चक्कर यह है कि मैं पैसे का जुगाड़ कहां से करूं? पापा ने जो समझाया समझ नहीं आया? पापा की उम्र हो गई है किंजल, अब इस उम्र में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, और बिजनेस करने के लिए ना रिस्क लेना पड़ता है, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। एंड आई नो कि तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं खुद पे बहुत भरोसा करता हूँ किंजल, और एक बार ये डील फाइनल होगी ना मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। तो जो तुम आगे भी नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ ऊपर देख रहे हो। मंजिल पे नजर रखना अच्छी बात है, लेकिन एक नजर रास्ते पे भी होनी चाहिए, कई रास्ता गलत तो नहीं, कई रास्ते में गड्ढे तो नहीं। तो शो मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तरक्की करो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तो शो तुम जो भी करोगे ना प्लीज सोच समझ के करना, ओके? एनीवे ऑल द बेस्ट। बंदा ले ले अपनी। ये तुम दोनों क्या चुप चुप खेल रहे हो यार? हाँ? बोरिंग हो गया अब ये? चलिए ना, चलते हैं। मनु भी नहीं है तो घर अजीब सा लग रहा है, उसके बिना काका के बिना खाली खाली लग रहा है। भाई भाभी भी गए हुए हैं तो हम भी कई बार चलते हैं ना। अरे इतने प्यार से अगर कोई मुझे बोलता ना मैं पिकनिक क्या, मैं काला पानी भी चला जाता हंसते हंसते। जा। अरे यार चल ना।
अरे काम यार, अरे काम यार, क्या हीरो तैयार, हीरोइन हीरोइन तैयार, हीरो का दोस्त तैयार और हीरोइन की सहेली भी तैयार है। दीपिका कुछ सीख, ऐसे मिलते हैं दोस्त, तुझ जैसे नहीं। We are men. तुझे भी हैप्पी न्यू ईयर। कैसी है? मैं तो मस्त हूँ। अच्छा बता, मेरे आइडिया का जादू चला? कैसे नहीं, मेरी डेट नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ कि ये मोहतरमा कौन है। ज़बान अंदर, अनु की बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की और मेरी भी। हाँ तो CCF बोलना। अबे ये BFF सुना है, ये कहाँ से लाया नया CCF? कॉमन कॉलेज फ्रेंड। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाउ आर यू? गुड, ऑल वेल। ये क्या नया ट्रेंड है, डिस्ट्रेस जींस के बाद डिस्ट्रेस टाई? अरे यार, डोंट इवन आस्क। ये जो भाई साहब खड़े हैं, इनका होमकमिंग गिफ्ट है मेरे लिए, इनकी करामात है। By the way, handsome लग रहा है। Thank you. मैं अनुज से बात कर रही थी। मुझसे? वैसे अक्सर लड़कियां ये मुझसे कहती हैं। उन लड़कियों की ना आंखें खराब होगी। आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। उससे भी ज्यादा खूबसूरत मेरी चप्पल है। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। जब ब्रंच का मूड हो तो बता देना। चले। देविका, ये अनुज के दोस्त हैं धीरज। और भाई साहब, ये हैं देविका, हमारी CCF कॉमन कॉलेज फ्रेंड। आई एम धीरज, नाम तो सुना होगा। ऑफ कोर्स सुना है, मेरे दूध वाले का नाम भी धीरज है। ओके गाइस, बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ। एंड देविका, थैंक यू सो मच कि तुम आ गई हो। अब प्लीज इन दोनों को तुम संभालो, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तू फिर शुरू हो गया। ओए, एक दिन अगर तू ऑफिस नहीं जाएगा ना, तो देश की GDP गिरनी जाएगी। चलना धीरज, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मजाक हो गया यार बहुत। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं टाई चेंज करके आ रहा हूँ। यू गाइस कैरी ऑन, गो वेयरएवर यू वांट। अनु ये क्या है? अरे तोशु कहाँ जा रहे थे? पापा कुछ काम है, जरा जल्दी में हूँ। अरे मगर एक मिनट, अच्छा मेरी बात तो सुन जा। पापा क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, मैं आके बात करता हूँ ना आपसे। अरे तोशो, तोशो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? जरूर कोई बात है। सॉरी किंजल, तुम्हारे अलमारी में से बिना बताए पैसे लिए हैं, चोरी नहीं किए हैं। काम हो जाने के बाद तुमने लौटा दूंगा। ले बोल, ये तोशो चला गया? हाँ भा, क्यों? अरे मैंने उसे कहा कि मैं खाने का टिफिन पैक कर रही हूँ, तो भी चला गया। एक तो सबके लिए खाना बना, दूसरा सबको मिन्नत करके ऐसे पीछे पीछे जाओ कि भाई खा लो खा लो। वो समर खा के नहीं गया, काव्या खा के नहीं गया, और ये भी अब टिफिन नहीं लेकर गया। बाप, खाना बना के रख दिया करिए, जिसे खाना होगा वो अपने आप माइक्रो में गर्म करके खा लेगा, किसी से मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं। कल से ऐसा ही करूंगी, रात को ही सबको पूछ लूंगी कि कौन नाश्ते में है सुबह के, कौन वो दोपहर के खाने तक है, उसी हिसाब से बनाऊंगी। हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे। नए साल में जितना सुधरने की कोशिश कर रही हूँ, लोग उतना ही बिगाड़ रहे। कौन मैं? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे अब तू मत पका यार। अरे कुछ और सोचते हैं ना देविका। अरे तेरे सोचने तक ना अनुज ऑफिस पहुँच जाएगा। हाँ पर मैं कैसे, ये झूठ, मैं मुझसे नहीं होगा। मैं देविका प्लीज समझाओ यार। अरे यार अनु प्लीज यार। अरे पर नहीं ना, मैं ये सब कैसे करूंगी? अरे आप भी समझ लीजिए, आप ये सब अनुज के लिए तो कर रही हैं। अनुज के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, तो पर ये नहीं कर सकती। वो वैसे भी गुस्सा है और नाराज हो जाएंगे ये सब देखकर। अरे तो हम संभाल लेंगे ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ। धीरज एंड देविका। हाँ। कमाल हो गया, ये दोनों ए, हम दोनों डीडी। You mean कबाब में हड्डी डी? यहाँ उल्टा है, यहाँ तो हड्डी समझा रही है कबाब को कि वो कबाब है। पर मैं तो चाहती ना कि तेरे और अनुज के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तो भाभी उसके लिए ना कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ धमाकेदार करना होगा।
तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो भी है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ठीक है मैं करूंगी। पर ये आई हुई ना बात। ये देखा, मना लिया तुमने। तुमने नहीं, हमने। बैठो, चलो अनुपमा, अब करना है तो करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।